ग्रेगर मेंडल, शायद ये नाम आज से पहले आपने सुना हो, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने सिर्फ मटर के पौधे से जेनेटिक्स का पता लगाया, जिन्हें आज हम जीन्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल के बारे में जानेंगे कि उन्होंने खोज कैसे की और इस खोज में कितना समय लगा, और साथ ही उनके निजी जीवन के बारे में भी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताइए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आगे और भी क्वेश्चंस हैं और लास्ट वीडियो में पूछे गए 5 क्वेश्चंस के आंसर भी हैं, तो बने रहे वीडियो में, जानेंगे द ग्रेट साइंटिस्ट ग्रेगर मेंडल के बारे में। ग्रेगर मेंडल का जन्म ऑस्ट्रियन एम्पायर साइलिसियाओ में हेजेंड्रॉफ बी ओड्राउ में जर्मनी भाषी परिवार में हुआ था। वह एंटोन और रोजिन मेंडल के बेटे थे। ग्रेगर मेंडल 3 भाई बहन थे, बड़ी बहन वेरोनिका और छोटी बहन थेरेसिया। वह खेत पर रहते और काम करते थे जो लगभग 130 साल से मेंडल फैमिली का था। अपने बचपन के दौरान मेंडल ने माली के रूप में काम किया और मधुमक्खी पालन पर स्टडी की। मेंडल एक गरीब परिवार से थे और जब नौजवान मेंडल की काबिलियत उनके टीचर्स ने देखी तो उन्हें साल 1833 में घर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़े स्कूल भेजा गया। एक यंग मैन के रूप में उन्होंने ट्रोपाओ में जिम्नेशियम में भाग लिया। बीमारी के कारण उन्हें अपने जिम्नेशियम स्टडी के दौरान 4 महीने की छुट्टी लेनी पड़ी। उनके परिवार की आर्थिक हालत खराब थी और एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट दिखाने के बावजूद उनके पिता ने उन्हें परिवार के खेतों का जिम्मा उठाने को कहा, पर वह नहीं माने और 1840 से 1843 तक उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओलोमोक के फिलोसफिकल इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल फिलोसफी और फिजिक्स की स्टडी की। बीमारी के कारण उन्हें फिर एक और साल की छुट्टी लेनी पड़ी। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उनमें पौधों के बारे में पढ़ने का शौक भी पैदा हुआ। वैसे तो ग्रेगर को उनकी शैक्षिक विविधता के लिए नहीं जाना जाता। उन्होंने कई तरह के कामों में हाथ आजमाए लेकिन कामयाबी कहीं नहीं मिली। फिर वह ऑस्ट्रिया के ब्रूनो नाम की जगह चले गए, जहां उन्हें ग्रामीण इलाके में उनके पास सुंदर बाग बगीचे थे जहां वह हॉर्टिकल्चर में प्रयोग कर सकते थे। वहां उन्होंने 7 सालों तक मटर के पौधे के साथ कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए। जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट या खेती शुरू की तो देखा कि मटर के पौधे की खास विशेषता है कि उसका फूल या तो व्हाइट होता है या पर्पल, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों होता है। इस सवाल के जवाब के लिए मेंडल ने 2 ऐसे पौधे लिए जिनमें एक पर हमेशा व्हाइट फूल खिलते थे और दूसरे पर हमेशा पर्पल फूल खिलते थे। जब उन्होंने सफेद फूल वाले पौधे का मिलन सफेद फूल वाले पौधे से कराया तो देखा कि जो नया पौधा है उसमें हमेशा सफेद फूल खिलते हैं। सेम प्रोसेस जब उन्होंने पर्पल फूल वाले पौधे के साथ किया तो उसका रिजल्ट भी सेम आया, उसमें भी पर्पल फूल खिलते थे। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? वैसे इसमें कोई हैरानी वाली बात तो थी नहीं, क्योंकि जब जन्म देने वाले दोनों पौधे सफेद रंग के थे तो नए फूल भी सफेद ही आएंगे, और यही सेम चीज पर्पल फूल वाले के साथ भी हुई। इन स्टार्टिंग के एक्सपेरिमेंट वाले पौधों को मेंडल ने जनरेशन 1 नाम दिया। लेकिन मजेदार बात तो तब हुई जब उन्होंने सफेद फूल वाले एक पौधे का मिलन पर्पल फूल वाले पौधे के साथ कराया तो उन्होंने ये पाया कि जो नए पौधे का फूल है उस पर पर्पल फूल है। इससे भी बढ़कर ये बात थी कि ये एक्सपेरिमेंट जितने भी बार कर लें जो नए पौधे के फूल हैं वो हमेशा पर्पल ही रहेंगे। ग्रेगर इससे काफी हैरान थे कि जो सफेद फूल बनाने की युक्ति थी वो कहाँ चली गई। इस एक्सपेरिमेंट को मेंडल ने जनरेशन 2 कहा। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिलीपींस की मुद्रा को क्या कहा जाता है? अब ग्रेगर ने जनरेशन 2 के 2 पौधे लिए और उनके मिलन से एक नया पौधा बनाया, इसे उन्होंने जनरेशन 3 कहा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक और मजेदार बात हुई कि इस जनरेशन 3 के नए पौधों के फूलों का रंग कभी सफेद होता तो कभी पर्पल, और डेफिनेटली उन्होंने ये देखा कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को सैकड़ों बार रिपीट करा जाए जैसा उन्होंने किया था तो ये पाया जाएगा कि जनरेशन 3 के जो पौधे हैं उनमें से 75% पर्पल फूल वाले हैं और बाकी बचे 25% सफेद फूल वाले हैं। उन्होंने 8000 पौधों की स्टडी करके अपने निष्कर्ष को दर्ज किया। उन्होंने देखा कि किस तरह पौधों के जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे पौधों तक जाती है। उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि किस तरह हर पौधे की क्वालिटी कुछ खास बातों पर निर्भर करती है, और इसी खास क्वालिटी को आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं। इसे किसी कलर की तरह आपस में मिलाया नहीं जा सकता। वे ना तो अपनी क्वालिटी की स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं, उनमें से कई पावरफुल जीन्स खुद को सबसे आगे रखते हैं जबकि कमजोर जीन्स उनके साये में पड़े रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रेगर के नतीजे ने हमें बताया कि एक नवजात में कोई भी स्पेशलिटी इससे निर्धारित होती है कि उसे अपने माँ बाप से कौन से एलिमेंट या गुण मिले हैं। वे एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी। अक्सर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पर भारी पड़ जाता है, जैसा हमने पर्पल और व्हाइट कलर वाले एलिमेंट पर देखा था। हालांकि उनकी इस महान डिस्कवरी के मीनिंग को लोग उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद ही समझ सके। उनकी इसी डिस्कवरी से जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी की शुरुआत हुई। वैसे तो ग्रेगर मेंडल की ये खोज दशकों तक गुमनामी में खोई रही। 1866 की बात है, लेकिन करीब 34 सालों तक उनकी ये खोज गुमनामी में खोई रही। जब इसके बारे में लोगों को पता चला तो भी अगले 20 सालों तक उनकी इस खोज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
दुनिया भर के साइंटिस्ट का ध्यान तब ग्रेगर की और उनकी इस महान डिस्कवरी पर गया जब ये बात सामने आई कि उनकी खोज डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सपोर्ट करती है। उनकी इस महान खोज का पता इसी बात से चलता है कि आज हम ग्रेगर मेंडल को द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स या अनुवांशिकी के पिता माना जाता है। तो ये थी ग्रेट साइंटिस्ट ग्रेगर मेंडल के बारे में कुछ खास बातें। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन या एडिटिंग में कुछ कमी है तो प्लीज मुझे माफ करना। तो वीडियो से आपने कुछ नया जाना है तो लाइक जरूर करें, ऐसी और भी वीडियोस और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है डिगबॉय असम, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है एथिलीन, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है कनाडा और अमेरिका, चौथे क्वेश्चन का आंसर है किन्नौर, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर है सुचेता कृपलानी। अब चौथे क्वेश्चन का आंसर बताइए, इंग्लैंड का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ये जो मैंने आपको पांच आंसर बताए हैं ये किन क्वेश्चंस के हैं जानने के लिए लास्ट वीडियो को देखें, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में प्लास्टिक के बारे में बताया गया है कि प्लास्टिक कैसे और कब बनाया गया, तो लास्ट वीडियो को जरूर देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखें।